इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, हम सबको एक संग बैठकर बात करना चाहिए कि त्रिपुरा में हमारे यूथ को कैसे नौकरी दिया जाए। मुझे लग रहा है कि अगर हम लोग सब एक संग अग्री कर सकते हैं कि अपना एमएलए का या एमडीसी का सैलरी बढ़ाएं, अगर हम लोग बैठकर अग्री कर सकते हैं कि हमें फैसिलिटीज़ एमएलए और एमडीसी और मंत्री का दिया जाए, तो हम लोग एक संग क्यों नहीं बैठ सकते हैं और चर्चा करें कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी लेकर आए, कि बात करें एक दूसरे से, चर्चा करें कि एक कंसेंसस लाए कि हम कैसे त्रिपुरा में जॉब क्रिएशन इंक्रीज कर सकें। आज मैंने जो देखा है, त्रिपुरा में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यूथ में बेरोज़गारी है, और अगर हम लोग अपने पार्टी के बारे नहीं सोचकर, हम लोग कुछ लीडर्स अलग अलग पार्टी से भी हो, अगर एक संग बैठकर हम लोग एक पॉलिसी के बारे बात करते हैं जहां में हम लोग एक दूसरे से ना लड़के नौकरी को क्रिएट करें हमारे यूथ के लिए, तो इससे सबका भला होगा। अगर यूथ को नौकरी मिलेगा तभी त्रिपुरा आगे बढ़ सकता है, और यूथ को अगर आप नौकरी नहीं देंगे तो यूथ फ्रस्ट्रेट होकर हमारा भविष्य, हमारा स्टेट का भविष्य, हमारा देश का भविष्य कहाँ जाएगा। तो ये मेरा थिंकिंग है, मेरा सोच है, और मैं आशा करता हूँ कि अगर हमारा ऑल पार्टी मीटिंग हो सकता है वायलेंस को रोकने के लिए, तो हमारा शायद ऑल पार्टी मीट इसके लिए भी हो सकता है कि हम लोग त्रिपुरा में एक संग बैठकर बात करें और कैसे नौकरी को ज़्यादा दे सके हम अपने यूथ को, इसके बारे भी चर्चा करें। दिस इज़ माई थिंकिंग, दिस इज़ माई थाट। आई होप यू विल अग्री विथ वट आई एम सेइंग। अगर आप मेरा बात को से अग्री करते हैं, सहमत हैं, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं त्रिपुरा में उन्नति लाना चाहता हूँ, ना कि हर चीज़ में पॉलिटिक्स लाना चाहता हूँ। हम बाय, थैंक यू।